हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। मेरे चैनल का नाम है GSM हेमंत, मालूम होगा आपको अगर आए होंगे मेरे चैनल पे। तो मिरेकल पावर टूल की तरफ से एक और अपडेट आ चुका है, वर्जन 2.5। ये कल रिलीज़ हुआ था, मतलब 7 तारीख को ये रिलीज़ किया इन्होंने। और इन्होंने जो अपडेट दिया है, आप अपडेट पोस्टर में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। यह अपडेट मीडियाटेक में ये मॉडल ऐड किए हैं, पोको M2 और रेडमी का ये सपोर्ट है। लगभग 10 मॉडल हैं रेडमी के, सपोर्ट बोथ IMEI रिपेयर, रेडमी में दोनों IMEI रिपेयर। MT के CPU में इन्होंने अपडेट दिया है। और एडेड पार्टीशन टूल, इसमें पार्टीशन रीड राइट के लिए भी दिया है इन्होंने ऑप्शन। और इन्फिनिक्स के मॉडल ऐड किए हैं, ओप्पो के बहुत सारे मॉडल ऐड किए हैं, रियलमी, वीवो। और जो मैन है वीवो के, ये हैं MT के में Neo 7y21, V23, V23 Pro, V25 5G। अब जो है V25 5G दिया है, इसका डेमो रिमूव होता है या नहीं होता है, ये एक पॉइंट की बात है। और YX90 Pro, ये तो फ्लैक्स मॉडल है। और Y1S, Y16, Y30, Y73, Y72, Y91C, तो वीवो के बहुत सारे मॉडल ऐड किए हैं MT के CPU। SPD Unisoc CPU में इन्होंने ये CPU दिए हैं, SPD में, जो कि 6731 से लेके 9863 तक हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो ऐड किए हैं इन्होंने FDL मोड पर, इस पर हम काम कर पाएंगे। रीसेट FRP, सेफ फॉर्मेट, यूजर डेटा, डीप फॉर्मेट, रीड इनपो, ये सब कर पाएंगे। और यूनिसॉक है SPD CPU में, इसमें पावर टूल FDL पैक फाइल, ये फ्लैशिंग के लिए दिया है इन्होंने कि इस जो डॉट फाइल रहती है, इस फाइल से आप उसको फ्लैश कर पाएंगे। और मॉडल ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये हैं कूलपैड, इन्फिनिक्स, आईटेल के बहुत सारे मॉडल ऐड कर दिए, आईटेल बहुत सारे हैं, रियलमी C11 से लेके C21Y, C25Y, सब ख़त्म। रियलमी का तो काम ख़त्म है SPD CPU का। अब हिसिलिकॉन ये हवावे का है, और इसमें इन्होंने सीधा CPU वाइज बताया है कि जो है CPU, इससे CPU पे काम करना रहेगा। जो भी मॉडल आपके पास आता है तो उसका आपको CPU चेक करना है, CPU सेलेक्ट करना है, फिर आप उसको अनलॉक कर पाएंगे। एडेड मोर देन 490 मॉडल ऑटो जस्ट सेलेक्ट CPU, वही बात जो मैंने आपको बताई, सिर्फ आपको CPU सेलेक्ट करना है और आपका 490 मॉडल अप्रॉक्स हुआवे होनर के आप इससे अनलॉक और FRP कर पाएंगे। कॉलकॉम में भी वीवो का मेन अपडेट है, वीवो के 6-7 मॉडल ऐड किए हैं, और होनर और ZTE का ऐड किया है। एंड्राइड में एडेड फास्ट बूट रीड इन्फो, मतलब एंड्राइड टैब में जो है आप फास्ट बूट मोड में रीड इन्फो ले सकते हैं, वही डिटेल यहाँ पर सामने दी हुई है, ये है। तो ये जो है ये अपडेट है, अपडेट भी ज़बरदस्त दिया है मिरेकल पावर टीम ने, इसके लिए उनको एक लाइक तो बनता है। थैंक यू मिरेकल पावर टीम। इसके पहले UMT ने भी अपडेट दिया था, उन्होंने सिर्फ MTK के लिए दिया था, लेकिन मिरेकल पावर टूल ने तो गजब ही कर दिया, बहुत तगड़ा अपडेट दिया है। डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर आप इस मिरेकल पावर टूल की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मिरेकल पावर टूल आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आप पहुंच जाएंगे वहां पे, और वहां से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेटअप, इसको क्या करना है, ये आप जब डाउनलोड कर लेंगे, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हम दे देंगे इसको। तो मैं इसको आपको पूरा बता दे रहा हूं वीडियो में करना क्या है, और इसको हम इंटरफेस भी देख लेते हैं चेंज हुआ है क्या क्या टूल में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है सेटअप मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, यस, और ID पासवर्ड तो ऑटोमेटिक लैच हो ही जाएगा, उससे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल था। और मैंने इसके पहले जो मेरे पास 2.4 था वो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, इसको इंस्टॉल करना था इसलिए मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, कई बार एरर देने लगता है इसलिए अनइंस्टॉल कर दिया। लैंग्वेज इंग्लिश, ओके, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन, उस पर टिक रहने देना है। अब ये इंस्टॉलेशन चल रही है, देखिए मिरेकल पावर टूल 2.5।
तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है मेरा, मैंने कई बार सोचा कि वीडियो छोटा रखूं, लेकिन बात यह है कि आपको पूरी जानकारी देनी रहती है, इस कारण से वीडियो लंबा हो जाता है। और कुछ लोग आते हैं वो वीडियो स्किप करके चले जाते हैं, देखते हैं ठीक है, उनको जितना काम का लगता है तो आप उतना वो देख लेते हैं, और जितना उनको काम का नहीं है, उनको लगता है यूज़ में नहीं है, तो वो कट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, कोई इशू नहीं इससे। मेरा काम है वीडियो को बनाना और आप तक जानकारी पहुंचाना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सुनते हैं, देखते हैं। बाकी जब ज़रूरत पड़ती है तो लोग फिर दोबारा आते ही हैं देखने के लिए। और कहानी भी यही है कि अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था, ये अपना MTK यूटिलिटी टूल के ऊपर, किसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे चलाना है। लगभग 20 मिनट का वीडियो था, लगभग मुझे लगभग उसमें 40 मिनट लग गए होंगे वीडियो को कंप्लीट करने में। तो जो रिव्यू आया, जो लोगों ने उसको देखा, वो लगभग दो चार मिनट का था। तो इससे मालूम चल जाता है कि लोग कितना देखते हैं, उनको क्या चाहिए। उनको चाहिए डायरेक्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका मतलब कि आपके कोई भी मोबाइल आया उनके पास में, फिर सर्च करेंगे कि इसको कैसे करना है, ना कि ये नहीं देखते कि इसका तरीका क्या है, जैसे अनलॉक करने का तरीका क्या है। फिर क्या करेंगे, जो मॉडल आएगा उसको सर्च करेंगे कि यार ये मॉडल आया, इसको अब देखना है इसको अनलॉक कैसे करेंगे, UNP से, अनलॉक टूल से, अमेरिका पावर टूल से। अगर कोई एरर आ जाता है, DL एरर या DM वेरीफाई एरर, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप पे एक बार टूल पे एक्सप्लेन वीडियो आता है, आप उसको पूरा देख लेते हैं कि उसमें अगर कोई एरर है तो वो कहाँ पे दिया हुआ है वो ऑप्शन, तो आप एक बार देख लेंगे तो आप सीधा वहीं पे जाएंगे, ना कि YouTube पे सर्च करेंगे इसका DL एरर या DM वेरीफाई एरर कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि MTK CPU में तो सब सेम ही चलेगा। ये देखिए मेरा ये जो है लॉगिन ID पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ है इसमें, तो हमें सिर्फ क्या करना है। और जो लैंग्वेज का था, देखिए अब 2.5 में उन्होंने क्या है, लैंग्वेज यहाँ पे दे दी है सेलेक्ट करने के लिए। पहले अंदर था, अब हमें लॉगआउट करना रहता था, अब उन्होंने जो है लैंग्वेज यहाँ पे दे दी है। बाय नाउ का ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया है, तो एक बार बाय नाउ पे क्लिक करके देख लेते हैं। बाय नाउ की जैसे अगर कोई न्यू यूज़र है उसको ख़रीदना है तो वो क्या करेगा, चलो वो बाद में देखेंगे, अभी लॉगिन कर लेते हैं डायरेक्ट, उसमें टाइम लग जाएगा। ये देखिए ID पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, यूज़र ID पासवर्ड इनवैलिड, तो कुछ नहीं करना, सिंक लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए और लॉगिन, तो जो है हमारा टूल है जो ओपन हो जाएगा। और मैंने वहाँ पे क्लिक किया था तो उन्होंने यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया है, इसको हम कट कर देते हैं। पहले बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया था, लगभग 471 MB का था ये अपडेट। तो कॉलकॉम तो सेम ही है, कॉलकॉम में ना यहाँ पे पार्टीशन टूल दे दिया कॉलकॉम में, ये एक मैन है जो पार्टीशन टूल यहाँ पे दे दिया। और MTK में भी पार्टीशन टूल यहाँ पे दे दिया है। यूनिशॉक में जो है अपडेट दिया है, जो मैन है यहाँ पे, आप मॉडल्स और CPU सेलेक्ट कर सकते हैं, ITL वगैरह का आता है यहाँ पे, FDL पैक फाइल फ्लैश करने के लिए, और इंटर DIAG मोड, सेफ फॉर्मेट, रीसेट FRP, यहाँ पे अब सब कुछ दे दिया सर्विस में जाके, फ्लैश में सीधा फ्लैश कर सकते हैं। और सैमसंग का सेम ही है, कुछ अलग नहीं दिया, स्कीमेटिक वही है और ISP वही है, एंड्रॉयड, और ये हिसलियन हुवावे का दे दिया है इन्होंने। हुवावे का आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करेंगे, ये टेस्ट पॉइंट के थ्रू होगा यहाँ से, और यहाँ से फास्ट बूट मोड पे आपको सिर्फ मॉडल नहीं CPU सेलेक्ट करना है, जो भी मॉडल आपके पास आता है उसका गूगल कर लीजिएगा कौन सा मॉडल है, CPU है तो आप CPU यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और रीसेट FRP। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।